पाइप पे जो स्टेक लगना है इसकी लिमिट भी तय है। हम एक बार में आपको 100% की आज़ादी नहीं दे सकते। आप मान लें कि 1000 कॉइन लिखते हैं, 1000 कॉइन हम आपका एक्सेप्ट कर लें और वो बंद कर दें, लेकिन हो सकता है कि हम आपको 250 कॉइन ही 25% की स्टेक में दे, 15 दिन के बाद में 250 कॉइन स्टेक में लगा दें, आज से 250 शुरू हो गए, कल से 500 शुरू हो गए, फिर 1000 शुरू हो गए, यानी कि इसकी भी एक लिमिटेशन है। आफ्टर ऑल हमें कम्युनिटी का एक भी कॉइन को $100 से नीचे नहीं जाना, चाहे वो नया हो या पुराना। अगर एक्सचेंज का रेट गिरेगा तो P2P का भी रेट गिरेगा, तो ये 2.0 का रेट गिरेगा तो 1.2 की वैल्यू खत्म हो, लेकिन कंपनी ने कमिटमेंट कर दिया $100 से नीचे नहीं जाते तो नहीं जाते। ये जो प्रोसेस है एक आध मंदी के लिए चलेगा, जैसे ही हम हमारा कॉइन का रेट 200-500 पर जाना शुरू होगा फिर हम लिमिट बना। मतलब न्यू आईडी के लिए एक्सचेंज को न्यू चाहिए? हाँ, न्यू चाहिए। हाँ, अब न्यू चाहिए तो न्यू के लिए आपको कॉइन की स्टेकिंग भी चाहिए। हमें पहले महीना में 10 लाख कॉइन की जरूरत है, ठीक है, तो मे बी कि हम 100% स्टेक करवा सकते हैं। अगर हमें लगे कि नहीं 5 लाख का चाहिए या 2 लाख का चाहिए तो मे बी हम 50% करवा सकते हैं। हमें लगता है कि उससे भी कम चाहिए तो मे बी हम 25%। हाँ, इतना गारंटी है कि जो लोग इस उद्योग में जुड़े हुए हैं उनका हर हाल में $100 से नीचे का उनको प्रॉफिट है। जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं वो लोग कल के डेट में आप प्रेम जी मतलब फिर एक कोइन अच्छी आईडी लगेगी तो वो फिर कोइन कहाँ अवेलेबल होगा, कहाँ मिलेगा? चेक पे आ जाएगा उस समय कोइन वहाँ से बाइस करके फिर कोइन से वहाँ पर स्टार्टिंग करना है तो फिर उसके अंदर हम सोलह का प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यू होगा? नहीं, पुराने कॉइन से आईडी नहीं, डायरेक्ट न्यू कॉइन एक चाहिए। तो July 1st तक एक्सचेंज पे आ जाएगा? हाँ, नहीं उससे पहले भी आ सकती है एक्सचेंज में। हमें लगता है कि 25 तारीख 26-27 तक भी आ सकते हैं, तैयारी चल रही है एक्सचेंज के ऊपर में कितना जल्दी दे कोई नहीं वहाँ से बाइक करके तो लोग इसके लिए बाइक चलिए चले आएगा। इसके लिए कंपनी अगर एक्सचेंज अगर डिले कर दी तो दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन दे देती है। आप जाने से पहले लगभग घंटे भर के अंदर वो रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू तो हो चुका है और वो भी सवाल जवाब अच्छे हुए सर सबके बेनिफिट के लिए। 25 तारीख को मैंने सांसद को पूछा, सांसद मैंने 25 तारीख डेड लाइन या लाइव लाइन, तो क्या डेड लाइन 100 चले बातें और सब चीज़ हो गई, बस एक ही चीज़ को फोकस करना है और वो ये है ट्रेनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर फील्ड में ट्रेनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक मूवी में देखा था उसको बहुत ज़बरदस्त है, उसमें डायलॉग ये था ट्रेनिंग को लेकर कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे जंग में उतना कम खून बहाएंगे। ट्रेनिंग इस लेवल की होनी चाहिए ताकि आपका नुकसान नहीं हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग के ऊपर फोकस। एक्चुअली हमारा जो जोन है ये टेक्नोलॉजी,
हम इस टेक्नोलॉजी को भी आम प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आम इंसान को यही लग रहा है एंड अदर कंपनी हम बस उनको यही लगता है कि यहाँ भी पैसे लगाते हैं, यहाँ भी आता है, वहाँ भी पैसे लगाते हैं, यहाँ भी आता है। तो जैसे वो बंद हो गई, ये भी 6 महीने बाद ये बंद हो गई, तो लोगों के दिमाग में बस वही अर्ली अडॉप्शन वाली चक्कर आती है कि शुरुआत में जुड़ जाओ तो कमा लो भाई, अब क्या। लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो हमारा, हम वो नहीं, हम दिखाई जरूर देते हैं लेकिन हम डिफरेंट हैं। यानी लोगों ने एक्चुअल चीज़ की कॉपी बना करके मार्केट में लिया है लेकिन अंदर की चीज़ से कॉपी कोई नहीं करता। सामने से दिखने में सब लगता है कि सारा का सारा ये बेलमेन ही, यही चीज़ आपको 400 में मिल जाएंगे, 500 में मिल जाए तो यही चीज़ 50,000 में मिल जाए। तो एक्चुअल में वो जो ऑथेंटिसिटी है इसकी टेक्नोलॉजी उसको समझ, अगर नहीं समझेंगे तो आपको भी स्कैम जैसा दिखाई देगा। भाई ये भी कॉइन मार्केट पे लिस्ट है, ये भी कॉइन मार्केट पे लिस्ट है, ये भी कॉइन गीको पे, ये भी कॉइन गीको पे, तो लोगों का बस नीचे चल। लेकिन एक्चुअल हम तब बताएंगे जब हम उनका एक एक टॉपिक बताएंगे, हम ब्लॉकचेन को बताएंगे, सामने स्कैनर को सब दिखा देंगे, टोकन का भी स्कैनर होते हैं वो भी लगता है ब्लॉकचेन, टोकन का भी स्कैनर है वो भी ब्लॉकचेन लगता है, ब्लॉकचेन तो उसमें माइनिंग नहीं हो रही है फिर भी दिखाते हैं कि माइनिंग हो रही है, सारा उनका वर्क हो रहा है एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में और बोलते हैं माइनिंग। तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन ये हमें करते हैं। और इस बार जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल रहेगा ये एकदम डेवलपर लेवल पर, बल्कि ट्रेनिंग के लिए अगर हमें डेवलपर ध्यान करना पड़े हम वो भी करते हैं। यानी ओजोन में जितने भी लोग हैं हम अभी तक तो केवल उनको बेसिक एजुकेशन दिए, अब उनको डेवलपर लेवल की एजुकेशन दें। बल्कि जो हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग हमारे साथ, एक अच्छी बात है। अभी तक क्या कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग ज्वाइन करते थे या MLM या कोई ऐसी कंपनी में वही लोग ज्वाइन करते थे जो फेलियर थे, अनएजुकेटेड होते हैं। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन किए रहते हैं, है ना। वो इंजीनियरिंग किसी कंपनी में ज्वाइन कर रही है, कोई मैनेजमेंट की कंपनी ज्वाइन कर रही है, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। जो वहाँ जिनका नहीं होता वो तलाश में रहते हैं कि भाई नहीं मिल जाए, शौक से कोई भी नहीं चाहता है तो मुझे ये सब MLM लोगों के साथ जुड़ना है, ये नहीं जो। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए क्या हुआ कि हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड थे तो लोगों ने अडॉप्ट किया, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अडॉप्शन शुरू किया और उन्हें लगा दिखा कि नहीं बाकी नई चीज़ें। तो हमारे साथ IIM के भी लोग हैं, हमारे साथ IIT टॉप लेवल के मैनेजमेंट टीम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, टॉप लेवल के IT सेक्टर के भी लोग हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं। तो हर फील्ड के लोग यहाँ पर आए तो एक नया रेवोल्यूशन रेडी हुआ। अब हम उन लोगों को पूरे तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं और बता सकते हैं और ये मार्केट में जा करके बताएंगे। तो जो भी IT फील्ड के जो लोग होंगे उनको हम और डेवलप करेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि हमारे ब्लॉकचेन पर आकर के आप अपनी दिमाग लगाओ, कुछ अपना प्रोजेक्ट लगाओ, हम उस पर आपकी हेल्प करेंगे। हमारे टीम में बहुत सारे डेवलपर लोग भी हैं जो इंजीनियरिंग किए, कोई यूं कह BTech किया है, कोई BCA किया है, कोई BSc IT किया है, हर तरह से। उन लोगों को भी आप चयनित करें जो आपकी टीम में, और उन्हें बताएं कि आप ब्लॉकचेन के बारे में अगर जानते हो तो अपनी टीम में भी डेवलप करो। थैंक यू।